वेलकम वंस अगेन। वी आर रीडिंग द चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आई शैल गोइंग टू रीड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। विलेज के अंदर जो कॉन्स्टेबल होता है, सिपाही होता है, उसके लिए बुलावा भेजा गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मिसिज हॉल वेंट टू साइंटिस्ट। लेकिन जब तक कि कॉन्स्टेबल आ नहीं जाता, वो मिसिज हॉल है वो साइंटिस्ट के पास, मिस ग्रिफिन के पास जाती है। हु हैड सम हाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम द एम्प्टी बेडरूम, जो कि पता नहीं कैसे खाली रूम में दोबारा से, जब उन्होंने देख लिया था कि रूम बिल्कुल खाली है, वहां कोई नहीं है, तो वो वहां पर ही मिला उनको। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर। मिसिज हॉल ने कहा कि मैं ये चाहती हूं कि तुम मेरी चेयर के साथ सीढ़ियों पर क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, उसने मिस्टर ग्रिफिन से पूछा। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक रूम। और मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम कैसे एक खाली कमरे से बाहर आ गए और कैसे तुम एक खाली कमरे के अंदर है वो अपने आप लॉक हो गए। तो दिस इज ए ब्यूटिफुल यूज ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ओके, इन्वर्टेड कॉमास आर देयर। तो आई टोल्ड यू दैट स्पीच इज ऑफ टू टाइप, वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड वन इज इनडायरेक्ट स्पीच। एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज पुट इन टू इन्वर्टेड कॉमा। जो सॉरी डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज पुट इन टू इन्वर्टेड कॉमा। जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। ये साइंटिस्ट मिस ग्रिफिन जो था, उसको गुस्सा बड़ा जल्दी आता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब उसको गुस्सा आ जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु एंड वट आई एम, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं। ही शाउटेड, वो चिल्लाता है। वेरी वेल, आई शैल शो यू, मैं अभी दिखाता हूं कि मैं क्या हूं। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, उसने क्या है कि अपनी जो पट्टियां हैं वो फेंक दी। विस्कर्स, मूछे फेंक दी। स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा फेंक दिया। एंड इवन नोज, अपना नकली नाक भी उतार करके फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट और मिनट टू डू दिस, और उसको ऐसा करने के अंदर है उसको एक दो मिनट है वो लिए हैं। हेयर इज मिस्टर जाफर, हेयर इज मिस्टर द क्लर्जी मैन, मिसिज हॉल एंड ग्रिफिन इज देयर एंड ही इज रिमूविंग द क्लॉथ्स। ठीक है, द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट ए हेडलेस पर्सन। ठीक है, और वहां पर जो डरे हुए लोग थे बार के अंदर, उस रेस्टोरेंट के अंदर, उन्होंने देखा कि वहां पर एक बिना सिर वाला आदमी है। देवर स्टेयरिंग एट ए हेडलेस पर्सन, वो एक हेडलेस पर्सन को देख रहे थे। मिस्टर जाफर द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड, इसी तरह मिस्टर जाफर एक कॉन्स्टेबल है वो आ जाता है। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, वो बड़ा ही हैरान था टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, और उसको एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था जिसका सिर नहीं था। बट जाफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन उसको ड्यूटी करनी ही थी, चाहे वो आदमी है बिना सिर के हो या सिर वाला हो। इफ ए मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड। अगर एक जो जज है वो ये कह देता है कि एक आदमी को गिरफ्तार करके ही लाना है, चाहे उसका सिर हो या ना, तो उसको करना ही होगा, विद और विदाउट हिज हेड। ओके, देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। जैसे मिस्टर ग्रिफिन है वो एक गारमेंट के बाद, एक कपड़े के बाद दूसरा कपड़ा उतारता जा रहा था, और वो और ज्यादा अदृश्य और ज्यादा अदृश्य होता जा रहा था। तो ये सीन है वो बड़ा ही देखने वाला था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इन टू द एयर, अंत में केवल एक ही शर्ट हवा के अंदर लहरा रही थी। एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और कॉन्स्टेबल है वो एक ऐसे आदमी के को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था जो दिखाई ही नहीं दे रहा था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने क्या है कि कॉन्स्टेबल की हेल्प करने की भी कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज। ब्लोज गुस्से होते हैं, लेकिन उनको गुस्से लगते हैं। दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, और ये गुस्से कहां से आ रहे थे उनको पता ही नहीं लगा। इन द एंड जाफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। अंत में
मिस्टर जाफर है वो गिर जाता है बेहोश होकर के, अनकॉन्शियस बेहोश हो जाता है। और क्या है कि वो साइंटिस्ट को, अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने का प्रयास नहीं कर पाता। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, ओके, सारे लोग हैं वो बड़े नर्वस थे और बड़े ही जोश के अंदर कह रहे थे कि पकड़ो पकड़ो उसको पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सैड देन डन, लेकिन इसको कर पाना बड़ा मुश्किल था, कहना आसान था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन वहाँ से आज़ाद हो गया था, एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि उसको कैसे पकड़ा जाए। तो ओके स्टूडेंट, दिस इज ए पार्ट ऑफ द ब्यूटिफुल नावल रिटन बाय H.G. वेल्स। ओके, ये नावल H.G. वेल्स का लिखा हुआ है, उसका एक पार्ट है। ओके, इफ़ यू वॉन्ट टू रीड द होल नावल यू कैन रीड इट। ओके, दिस नावल इज ए साइंटिफिक यूटोपिया, ये एक साइंटिफिक यूटोपिया है। ओके, द राइटर वॉन्ट टू से दैट द डिस्कवरीज ऑफ द साइंस शुड बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, दीज डिस्कवरी शुड नॉट बी मिस यूज बाय एनी वन। इस चैप्टर के अंदर, इस नावल के अंदर राइटर ये कहना चाहता है कि जो साइंस की डिस्कवरीज हैं, इन्वेंशंस हैं, साइंस की जो एक प्रकार से खोज होती है, उसका मानवता की भलाई के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए, उसका समाज के, एक प्रकार से समाज को छिन भिन करने के अंदर, समाज के अंदर अव्यवस्था पैदा करने के लिए या समाज के लिए उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो आई शैल टेक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, आई होप दैट यू आर यू एंजॉयड दी चैप्टर। मे गॉड हेल्प यू ऑल। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।